मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एक सालों से कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन किया जा रहा है और उसके बाद मोदी सरकार ने इस कानून को वापस भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसान उसके ऊपर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि पूरी तरीके से इस कानून को ख़त्म किया जाए। उसके बावजूद आज मुंबई के आज़ाद मैदान में किसानों का आंदोलन था, जिसमें राकेश टिकैत जैसे कई बड़े लोग इसमें शामिल हुए और इसी आंदोलन को लेकर आज मुमरा के रेती बंदर टोल नाके के पास मुस्लिम तंजीमों की तरफ से तमाम किसानों के लिए यहाँ पे चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया था, पानी वगैरह का इंतज़ाम किया था। जो लोग यहाँ पे आज़ाद मैदान के लिए धरने में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उनके लिए यहाँ पे सारा इंतज़ाम किया गया था। इस आंदोलन के लिए महाराष्ट्र के सभी शहरों से किसानों ने यहाँ पे आज़ाद मैदान में आज शामिल हुए और इस आंदोलन को कामयाब बनाया है। और आज सुबह से ही मुमरा के रेती मंदिर पे मुस्लिम तंजीमों की तरफ से आज किसानों के लिए यहाँ पे पानी, नाश्ता, बिस्किट का इंतज़ाम किया गया था। मौलाना अब्दुल वहाब कासमी, मुफ्ती बासित, अब्दुल मतीन शेखानी, अतीकुर्रहमान सिद्दीकी समेत सभी उलमा इकराम और वो नौजवान यहाँ पे मौजूद थे। ये इस मौके पर हम किसानों से भी जानते हैं कि उनका इस आंदोलन को लेकर क्या कहना है और आज जो इंतज़ाम किए गए हैं मुमरा रेती बंदर टोल नाके के पास, उनके ज़िम्मेदारों से भी जानते हैं कि आज जो उन्होंने इंतज़ाम किया है किसानों के लिए, उनके लिए उनका क्या कहना है। कहाँ से आए? शाहपुर। शाहपुर से? शाहपुर से। किस लिए आए थे आप लोग? ये महापंचायत तो होने वाला है ना आज़ाद मैदान में। क्या किसान आंदोलन? हाँ, किसान आंदोलन। अच्छा अच्छा, क्या आपकी मांग क्या है? मांग तो बहुत है। क्या मांगे आपकी? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गरीब बहुत गरीब हो रहा है, इसके लिए तो कृषि कानून। हम लोग आज़ाद मैदान जा रहे हैं, इसलिए आए यहाँ पर। यहाँ पे जो तीन कानून कायदे थे ना, उसके वजह से जा रहे हैं। वो वापस लेने वाले हैं, उसने तो घोषणा की है का वापस लेंगे, लेकिन अभी तक तो उसने ऐसा ये नहीं किया है। जो संसद में होना चाहिए वो नहीं हुआ, उसके वजह से हम आज़ाद मैदान जा रहे हैं। हम लोग अंबाड़ी से आए। क्या नाम आपका? प्रदीप तुंगर। सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। 15 लाख का जुमला ही था ना, 15 लाख बोले किधर दिए? नहीं दिए तो ये भी बोला है तो होएगा तो किधर होएगा? सरकार तो अभी बोला है तुम ये तुम्हारा मोर्चा हटाओ, इधर से जाओ उधर से जाओ, तुम्हारा सब ये जो कानून है वो कायदा है वो पास करेगा, मगर उसके पास भरोसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त मुल्क में जो हालात है और गवर्नमेंट बिल्कुल तानाशाह हो रही थी और इस जालिमाना कानून एक के बाद आ रहे थे। सीए एनआरसी आया, उसके बाद फिर किसानों के ऊपर आया, और भी बहुत से मसले मसाइल ऐसे आए जो लोगों को हजम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट अपनी सत्ता में अंधी होकर के कानून पर कानून ला रही थी। किसानों के आंदोलन ने उनको पीछे कदम उठाने पर मजबूर किया और पहली मरतबा 7 साल के अंदर मुल्क के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम अपना कानून नहीं समझा सके या जो भी कह करके उन्होंने अपना कानून वापस लिया। तो ऐसी ताकत को का साथ देना और उनका इस्तकबाल करना हर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के दस्तूर पर यकीन रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि उनका साथ दें और उनको आगे बढ़ाएं, उनको हौसला दें। इसलिए जो आज़ाद मैदान में किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये मुमरा रेती बंदर से गुज़र रहे थे, तो यहाँ के नौजवानों ने, उलमा ने और यहाँ की आवाम ने मिल करके उनका स्वागत रखा है। हमारे जमीयत उलमा के भी ज़िम्मेदार हैं, पॉपुलर फ्रंट के भी ज़िम्मेदार हैं और भी दूसरे लोगों ने क्या कहते हैं इसका सपोर्ट किया है ताकि इनका इस्तकबाल हो और इनको हौसला मिले, बढ़ चढ़ करके ये काम कर सकें और पूरी ताकत के साथ में क्या कहते हैं ये आंदोलन कामयाब हो सके। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से कानून वापस किया उससे अभी तक किसान मुतमईन नहीं है, उसको लेकर क्या कहो? जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का जो आश्वासन है वो अभी तक कभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक के वापस लेने का पूरा जो प्रोग्राम है पार्लियामेंट के ज़रिए से दस्तूरी तरीके से वो पूरा नहीं होगा जब तक मुतमईन नहीं होंगे। और चूँकि एक मुद्दा नहीं है किसानों का, जिसकी वजह से किसानों के मसाइल हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं जो और बढ़ते ही जा रहे आए दिन, तो तमाम मुद्दों को जब तक किसान पूरा नहीं कराएगा, जब तक कि उन्होंने स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम वापस नहीं रखने वाले हैं। असल में आज आज़ाद मैदान में
किसान लोगों का इज्तिमा है, वहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को मनवा रहे हैं। तो नासिक, पूना, वहाँ के जो किसान आ रहे हैं, तो यहाँ के नौजवान लोगों ने कहा कि भाई हम उनका इस्तकबाल करेंगे, रास्ते में उनको चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह देंगे, ये किया जाए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो जिसमें हमारे मतीन भाई थे और मुफ्ती अब्दुल बासित साहब थे और उनके साथी लोग थे, इन लोगों ने कहा किया जाए, तो हम लोग भी चले आए। और यहाँ देख रहे हैं माशाल्लाह सुबह से जो है लोग आ रहे हैं, उनकी खिदमत हो रही है और उनके साथ एक जहती का मामला ये टीम कर रही है और उनको दुआएं दे रही है और ये कह रही है कि अल्लाह ताला इनके इस आंदोलन को कामयाब करे। कब से है, कितने बजे से लगाया है कैंप? सुबह 6 बजे से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। सुबह सुबह तो जो लीडरान थे किसान के वो गए, उसके बाद जो वर्कर हैं, जो मेहनत करने वाले हैं किसान, वो जा रहे हैं और अभी तक सिलसिला जारी है। आप लोगों ने तो देख ही लिया है। आज जो है आज़ाद मैदान के अंदर राकेश टिकैत और उन जैसे बड़े लीडर्स वहाँ पर आ रहे हैं। ये पूरा जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है, इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए, हम वहाँ पर जा नहीं सकते थे दिल्ली, तो वो यहीं से गुज़र रहे थे, तो इसके लिए हमारी टीम ने, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने और बाकी लोगों ने जो उलमा इकराम है मुमरा शहर में, उन सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम को बहुत जल्द कम टाइम के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने यहाँ से जाते वक्त में इसको पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है और इसके अंदर ऐसा एक रिस्पांस मिला है कि जिसके अंदर हम लोग मिल करके बहुत सारे आगे काम कर सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन गैप्स होता है, जिस तरह से CPI, CPM और बहुत सारी यूनियंस हैं, उनके बड़े बड़े लीडर्स से मुलाकात हुई है, उनसे बातें हुई है और उनका यहाँ से जाना हुआ है और बहुत सारे किसान भी यहाँ से गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने यहाँ पर बिस्किट, चाय, नाश्ता करके आगे उनको हमने भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या किस चीज़ें यहाँ से तकसीम की गई थी? यहाँ पर जो है बिस्किट, चाय, पानी, इस तरह से उनको जो है हम लोगों ने एक नाश्ते का इंतज़ाम किया था उन लोगों के लिए, ताकि उनको आगे जो है आसानी हो और उनके अंदर भी एक मैसेज जाए कि हम मुस्लिम जो है पूरी कौम हमारे साथ में है और हम सब मिल करके जो है जो भी फासिस्ट ताकतें इस देश के अंदर काम कर रही है और आने वाले वक्त के अंदर जो भी फासिस्ट ताकतें उभर कर सामने आएंगी, उसके साथ हम सब मिल करके इंशाल्लाह उसके साथ उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह।